So hello guys and welcome back again on my YouTube channel The Riding Soul and I'm back with another new vlog. So although the vlog is all gonna be about that आज मैं और शशांक भाई हम लोग थोड़ी सी राइड करेंगे क्योंकि गाइस आज है सैटरडे एंड द बेसिकली प्लान इज दैट कि आज हम लोग जा रहे हैं लखनऊ की फेमस जहाँ पे बहुत सारे भाई लोग अपने जाते हैं कस्टम राफ्ट के लिए। आई नो मैंने इससे पहले एक और वीडियो डाली थी तो वो तो लालबाग की थी, बट जो हमारे एक मियाँ जान है वो भी बहुत बढ़िया कस्टम राफ्ट का काम करते हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं उनके पास और उनसे मिलेंगे और उनके बारे में रिव्यू देंगे, उनकी शॉप वगैरह का कि क्या हिसाब है। आई डोंट थिंक कि अभी तक शायद इतना डीपली मतलब इतना रिव्यू उसका किसी ने दिया होगा। तो गाइज मैं वहीं जा रहा हूँ और वहाँ चल के आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है, ठीक है, कैसे कैसे रैप्स होते हैं, कौन सी क्वालिटी के रैप्स करता है अपना भाई। मेरी एक्चुअली कल रात में बात हो कि मैंने अपॉइंटमेंट उनसे ले ली थी कि मैं जाऊँगा और मतलब मैं आ जाऊँगा और लाइक क्या क्या काम करवाना है। तो इससे पहले वाले जो ब्लॉग आपने देखे कि डोमिनार में हम लोगों ने कितना कुछ करा है, पावरट्रॉनिक इंस्टॉल करा है वगैरह वगैरह, तो गाइज लेट मी टेल यू दैट कि हम लोग वहीं जाने वाले हैं और डोमिनार पे कुछ बढ़िया सा जैसे कि हमने उसको पावरफुल बनाया तो कुछ पावरफुल ग्राफिक्स भी लगवाने वाले हैं। तो अभी मेरे को शशांक भाई जॉन कर रहा है, मैं जा रहा हूँ हमारा साउथ सिटी वाला पेट्रोल पम्प पे, ठीक है। और सो गाइज अपने को ज्वाइन कर चुका है शशांक भाई अपना एंड लुक हिज जैकेट कितनी सेक्सी लग रही है भाई पे अपनी जैकेट और प्रॉबली इज गोना बी अ दैट। मैं आपको बताऊं कि आज का हमारा जो ब्लॉग एक डे लाइफस्टाइल ब्लॉग पे भी होने वाला है, तो भाई आ चुका है अपना, ठीक है, और जैकेट देखो भाई की, तो ये सीन है बढ़िया। अब हम लोग जा रहे हैं और फाइनली डोमिनार पे भी हम लोग ब्लॉग करने वाले हैं कैमस रैप जाके, ठीक है। तो भाई चलो करते हैं इसी के साथ इस प्यारी सी सुंदर सी राइड को कम्प्लीट और स्टार्ट, तो थोड़े मज़े लेंगे और फिर मिलते हैं सीधा कैमस रैप पे। ओके चलो। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वेट क्या कर रहे हैं एक्चुअली बस लोकेशन सेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ अगर आप शहीद पथ से साउथ सिटी से चढ़ते हो तो मैं पूरा गाइड कर दूँगा आपको रास्ते के लिए, जैसे आपको मैप की इतनी समझ ना हो तो पॉलीटेक्निक चौराहे से हम लोग राइड लेंगे टूवर्ड्स बाराबंकी एंड मेरे को यहाँ से 40 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस होता है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको शेयर करते हैं, ठीक है चलो। गाइज वो देखो इंटर जे आर इंटर कॉलेज यहीं से सर्विस लाइन पे आपको लेफ्ट लेना है और सीधे जाओगे तो बाराबंकी का रास्ता पड़ेगा, लेफ्ट लेते ही आपको उसी लेन में लेफ्ट लेना है एंड देन आगे नीचे का कुछ दिखाता हूँ। निगाहें मोहब्बत करती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है, वाह 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 मज़ा आ गई यार। गाइस अच्छा लगा तो इस बात के लिए भी लाइक कर दो यार, इतनी बढ़िया शायरी मारी है फिर से बता दे रहा हूँ। क्या था यार भूल गया,
आग सूरज में होती है, चलना जमी को पड़ता है, जलना जमी को पड़ता है, निगाहें मोहब्बत से होती हैं, तड़पना दिल को पड़ता है। वाह वाह वाह, कार का हाल देखो, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ऐसे कौन करता है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। कहाँ पे है MS अपना? तो गाइज ये है शायद से अपना MS रैप, ये है MS रैप का बोर्ड, गाइज देख लो, बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ MS रैप, बढ़िया सा बबली का पार्लर के सामने है हमारा MS रैप और ऑल काइंड ऑफ बाइक रैपिंग एक्सेसरी, बॉडी केयर मॉडिफिकेशन पेंटिंग एंड मॉडिफिकेशन डन हेयर। तो यही है सीन यहाँ का, चलिए अंदर लगाते हैं। ये तो गाइस हम लोग आज के फाइनली MS रैप पे, और अपना जो हम लोग डोमिनार में काम कराने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक स्पेसिफिक रीज़न बता देता हूँ कि MS रैप में सिर्फ रैपिंग का काम नहीं होता, यहाँ पे आपके हैंडल वगैरह और डबल वायर हैंडल, स्टिकरिंग से लेके पेंट से लेके हर एक चीज़ का काम यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आपको आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगवाना चाहते हो, आपने देखा होगा कि जो बोर्ड है उस पर भी एसेसरीज का काम लिखा हुआ है कि वो भी होता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रैपिंग ले लो आप और HID लाइट्स ले लो और बॉडी पार्ट्स ले लो जो आफ्टर मार्केट से आते हैं, जैसे हम बॉडी को अपना थोड़ा सेक्सी लुक देना चाहते हैं, कूल लुक देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं हमारे MS रैप में अवेलेबल है। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं, तो तब तक हम लोग अपनी गाड़ी का काम कराते हैं, आपको दिखाते हैं गाड़ी कंप्लीट करके कैसा हो रहा है हमारा काम, ठीक है। सो गाइस ये देखो भाई ने कितना सही एकदम क्वालिटी, आप देख रहे हो कितने बढ़िया से इसको लगा बनाया है, और ये अपने हेलमेट में जाएगा, स्टड वाले हेलमेट में, ठीक है। और बाकी अपना जो ये स्टिकर भाई ले लिया तो भाई लगाएगा, बाकी ये अपने हेलमेट में जाने वाला है। तो आप क्वालिटी देख सकते हो कितने अच्छे से भाई ने बना के दिया है, एकदम जैसे होता नहीं ब्रांड न्यू बनता है, तो वही अपने हेलमेट में लग जाएगा। और फिर अब आगे की चीज़ें हैं, हम लोग की गाड़ियाँ पूरी ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं, तो यहाँ से जाने की बात है, तो चलते हैं, फिर आते की बात आपको करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। सो गाइस हेलो, और देखो अपना फाइनली ये काम हो गया है, ये रैप जो था इसका ये छूट रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं सेम ऐसे कलर का इस पर कराया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है अपना ईयर 9/10/2020 एंड अपना पहला स्टेला का नाम। और एक चीज़ मैंने और कराई है, स्टिकरिंग में कराई है, तो इस बार मैंने जो राइडिंग सोल अपना है ये थोड़ा बड़ा करा दिया है और द के हिसाब से कराया, क्योंकि द राइडिंग द तो पढ़ने में आता था बट द राइडिंग सोल पढ़ने में नहीं आता था, तो ऐसा कुछ हिसाब लग रहा है। एंड यही सारी सीन है, अब हमारा डोमी का भी काम हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं अपने हेलमेट के लिए कुछ चीज़ें ले रहा हूँ जो कि स्टिकरिंग मेरे को करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पेमेंट करा के एंड बहुत रीजनेबल प्राइस में हो गया है, आप लोग जरूर विजिट करो द ये MS रैप में, तो देखो इनके पास काफ़ी अच्छी ज़्यादा प्लेट भी है, तो इनको सपोर्ट जरूर करो। ये है इनके चैनल वगैरह का नाम, देख सकते हो, जाके चेकआउट कर लेना इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो गाइस अब यहाँ से चलते हैं, और इसके बाद का क्या प्लान है वो आपको दिखाते हैं, ठीक है, चलो। सो गाइस अब हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, और अभी मैं बताऊँ एक इंसिडेंट, ये देखो यहाँ पे मेरा पैर चला गया, तो पूरी मेरी जीन्स ख़राब हो गई है, फाइनली अपन का दिन बेकार हो गया है। तो फाइनली MS रैप से हम लोग जा रहे हैं और सारा काम हमारा हो गया है, अब यहाँ से जा रहे हैं कुछ खाने पीने, वो व्लॉग नहीं दिखाएंगे आपको, इसके बाद की चीज़ दिखाते हैं, ठीक है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस वेलकम बैक, और हम लोग आ चुके हैं ब्रेक पॉइंट ढाबा पे, और अब हम लोग यहाँ से
अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, काफिला अपने घर के लिए जा रहा है। एंड आज बहुत स्पेशल बात हुई कि आज हम लोग को बहुत टाइम से हम लोग का प्लान चल रहा था, एक हमारे भैया हैं, बहुत स्पेशल भाई हैं हमारे, तो उनसे आज मिलने का प्लान चल रहा था। ही इज़ हेयर राइट नाउ। काफ़ी देर हम लोग 2-3 घंटा बैठे हैं और शाम होने को आ गई, तो अब निकल रहे हैं अपने घर को। और भैया ओन करते हैं CBR 650R, एंड मेक श्योर गाइज इनका भी चैनल है द वियर्डेस्ट बाइकर करके, मैं चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगा एंड स्क्रीन पे भी आ रहा है इंस्टाग्राम हैंडल, जाके फॉलो कर लेना भैया, मेरे को भी फॉलो कर लो, स्क्रीन पे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है। मेक श्योर गाइज कि आप बहुत सपोर्ट करो, हिट लाइक ऑन माई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, कोई भी पार्ट डू कॉमेंट। और गाइज ये वक्त आ चुका है कि हम लोग ब्लॉग को एंड करें, तो गाइज होप करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आपको पता ना क्या करना है, लाइक कर दो वीडियो को यार प्लीज़। और चलो मिलते हैं इसी के साथ किसी बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।